दोस्तों, आज हम एक स्पीकर को इस बॉक्स में पिक करेंगे और पिक करेंगे इसको सेट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। इसके अंदर एक रेगुलेटर है और चार नट है और एक को है एक। अब इसको हम सेट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग इसमें वायर इसमें वायर बोल लेंगे। इस वायर को उखाड़ लेंगे। पहले को नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। उसी प्रकार से इसमें से वायर निकला हुआ है। इस वायर को उखाड़ कर इसमें नया वायर डालेंगे। उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे। उसके बाद फिर इसको पहले हम लोग इसमें वायर जोड़ देते हैं। देखो इसी तरह मैं वायर को उखाड़ चुका हूँ। अब इसमें नया वायर डालेंगे। कुछ इस प्रकार से इसको छील लेंगे इसे तार को। उसके बाद फिर से गोला घुमा देंगे, मोड़ लेंगे और कैंची से काट लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से फिर पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट लगा चुका हूँ। अब इसमें सोल्डिंग करेंगे इसे। ये कुछ इस प्रकार से सोल्डिंग करेंगे। दूसरा वायर को भी इस प्रकार सोल्डिंग करेंगे। उसी प्रकार से मैं सोल्डिंग कर चुका हूँ इसे। अब इस स्पीकर को बॉक्स के अंदर फिक्स करेंगे। पहले अंदर दिखा दे रहा हूँ इसको किस इस प्रकार से है। अब इसे हम सेट करेंगे तो पहले इसे जो नट का जो खांचा दिया है उसमें चारों तरफ से इसे सेट कर लेंगे। देख सकते हैं ये सेट हो चुका है। आपको दिखा दे रहा हूँ उसी प्रकार से इसे सेट कर चुका हूँ मैं। दिख रहा होगा आपको चारों होल में चारों का जो सेट किया हुआ हूँ जिसमें नट कसेंगे। नट कसने के बाद फिर मैं बता रहा हूँ किस प्रकार करेंगे। कुछ इस प्रकार से नट लेंगे और चारों तरफ इसमें कसेंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार कुछ इस प्रकार से कसेंगे। मैं कुछ इस प्रकार से एक नट को कस चुका हूँ। दूसरे नट को कसने जा रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे नट के लिए कनेक्शन पहले से फंसा लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से फंसा लिया हूँ। आप देख सकते हैं जी इसे हम कसेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कस चुका हूँ। अब हम लोग तीसरे नट को लगाएंगे। तीसरा नट को ये कुछ इस प्रकार से ये अभी से कसेंगे। ये कुछ इस प्रकार से नट कर चुका हूँ। अब एक और नट बचा हुआ है, इसको भी कस दूंगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं मैं इस नट को लगा चुका हूँ। कसेंगे इसे। देख सकते हैं। अब चलिए अभी से मैं और बताऊँगा इसमें क्या क्या करना है। यहाँ पर एक गांठ लगा देंगे ताकि वायर खिंचाए नहीं। यहाँ पर मैं गांठ लगा रहा हूँ इस प्रकार। जी कुछ इस प्रकार गांठ लगा चुका हूँ मैं, देख सकते हैं आप। एक बड़ा गांठ लगा देंगे क्योंकि ये जो होल है वो बड़ा है, इसलिए यहाँ पर मैं दो बार गांठ लगा चुका हूँ। अब इसको
ये जो होल दिख रहा होगा आपको, इसमें से बाहर निकालेंगे इसे कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस प्रकार से बाहर निकाल चुका हूँ मैं। अब इसे अब यहाँ पर हम लोग नट कसेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैं अब इस नट को कसने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं पहले ये वाला नट को कस लूँगा यहाँ पर, जिसे तो पीछे का जो लगा हुआ है लकड़ी का गुट का, वो निकले ना। आप देख सकते हैं मैं इस प्रकार कस चुका हूँ। और एक और नट है, इसको इसी प्रकार से कसना है। इस वाले होल में हम लगा रहे हैं इसे, लंबा है ये। अब इसे हम लोग कसेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं कस रहा हूँ। इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारा जो स्पीकर है वो तैयार हो चुका है, कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं पूरी तरह से, कुछ इस प्रकार से। अब इसे हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।